फूड पॉकेट। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की मालपुआ। देखिए बड़ी डिलीशियस है और ये सबको पसंद भी आएगा। गाजर का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, गाजर ही गाजर है बाजार में, तो ला के आप बना सकते हैं इजीली। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है बनाने में। चलिए फिर बनाने चले। गाजर का मालपुआ बनाने के लिए मैं 3 गाजर ली हूँ, अच्छी तरह धो के इसको पील करके और छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे मैंने काट लिया है। और इसको मैं अभी ग्राइंडिंग जार में डाल के इसको ग्राइंड करूँगी। हमें इसकी फाइन पेस्ट बनानी है, इसमें थोड़ा पानी डाल के हम बनाएंगे। मैं इसमें आधा कप पानी दे रही हूँ और इसको हम फाइन पेस्ट कर लेंगे। गाजर को हमने ग्राइंड करके ले लिया है और इसमें मैं आधा कप सूजी डाल रही हूँ। सूजी को आप ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, मैं ऐसे ही ली हूँ। और इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा और इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी, शुगर पाउडर 3/4 स्पून में डाल रही हूँ, टेबलस्पून। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमें इस पानी ज़्यादा नहीं डालनी है। आपको लगेगा कि थोड़ा ठीक है तो आप डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी ये सूजी भी है ना वो फिर फूलेंगे, तो इसमें मैं अभी डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हमें इतनी ठीक नहीं चाहिए, हमें पोर कंसिस्टेंसी में चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें पानी लेनी पड़ेगी इसमें। अभी हम इसमें आधा टेबल स्पून में डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसमें खाने का सोडा या और कुछ नहीं डालते हैं, इसमें ये डालना है क्योंकि वो नहीं तो खाने का सोडा या इनो आप डालोगे ना वो फट जाता है। तो इसमें आप याद रखिए कि बेकिंग पाउडर ही डालना है हमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर। और मैं इसमें थोड़ी सी खाने का कलर मिला रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिएगा नहीं तो नहीं। ये थोड़ी लुक इसकी अच्छी लगेंगे इस वजह से मैं डाल रही हूँ। ये देखिए ये हो गया, ऐसे अच्छी तरह मिक्स हो गया। हमें इसको अभी ना 10 to 15 मिनट्स तक ना हमें इसको ढक के रख देना है क्योंकि जिसमें मैंने जो सूजी डाला है ना वो थोड़ा फूल जाएंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक ना हम चाशनी बना लेते हैं। मैं कढ़ाई ली हूँ, इसमें मैं 1.5 कप शुगर डाल रही हूँ और इसी कप की नाप से हम डालेंगे 2 कप पानी। इसको हमें एक तार या दो तार का चाशनी नहीं बनानी है। हमें खाली इसको ना ये जैसे मेल्ट हो जाएगा और चिपचिपा थोड़ा सा हो जाएगा तब तक हम इसको रखेंगे गैस पे, नहीं तो हम इसके निकालेंगे क्योंकि ये एक तार दो तार के हमें नहीं चाहिए। खाली जैसे चाशनी होगी, जैसे हम रसगुल्ले बनाते हैं ना उसकी थोड़ा सा ठीक हो जैसे, तो मतलब वो आराम से गिरता हुआ चाशनी जैसे होता है ना, तो उसी टाइप में हम बनाएंगे। पहले ये मेल्ट हो जाएगा, चीनी घुलने लगा है। इसमें मैं थोड़ा सा इलायची डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने क्रश कर दिया है, और मैं केसर डाल रही हूँ थोड़ी सी, और इसको हम अभी चलाते जाएंगे। हमारा चाशनी तैयार हो गई है। अब हम जो बैटर को हमने रखा था रेस्ट के लिए, देखते हैं इसे। ये देखिए हमारा सूजी भी जो हमने डाला था इसमें अभी फूल गई है अच्छी तरह। और ऐसे ही हमें बैटर चाहिए।
मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और गरम भी हो गई है हमारी। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हैं अभी। और हमें बैटर लेके, जैसे छोटे छोटे मालपुआ हम बनाते हैं ना, उस तरह एक जगह पे हमें डालनी है। हमारी मालपुआ हो गई है, बन के तैयार हो गई। ये देखिए, इसको मैं अभी चाशनी में डालूंगी। इसे हम चाशनी में अभी डालेंगे, ऐसे एक एक करके सारे मालपुआ चाशनी में डाल देंगे। हमारे मालपुआ बन के तैयार हो गए हैं और ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।